हरगिज झुकेगा नहीं सदा। ये खून ही है मेरा ब्रांड पुष्पा। तो फाइनली आ चुके हैं स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के कोने एपिसोड में वापिस। आज बॉक्स ऑफिस में डे नंबर 4 चल रहा है, संडे है भाई, देखेंगे आज के लिए हमें क्या फाइनल एडवांस बुकिंग है वो देखने को मिल रही है। भाई एकदम ब्लॉकबस्टर है एंड टोटली ऑफ रैम्पेज मोड है एंड बंदर है मेरे भाई, क्रैश कर दिया सिस्टम क्रैश। जिस तरह आज के दिन हमें एडवांस कलेक्शन वो देखने को मिल रहा है, स्पेशली फॉर हिंदी लैंग्वेज की बात करें, आज तक की बात करें हिंदी हाईएस्ट एडवांस है फर्स्ट ऑफ संडे, भाई खत्म कर दिया ऑल ऑफ रिकॉर्ड्स। बात करेंगे आगे फाइनल क्या एडवांस बुकिंग है एंड कितना कलेक्शन है वो आ सकता है एंड आज एक नया रिकॉर्ड है पुष्पा 2 क्रिएट है वो करने जा रही है कौन सा, वो भी आगे बात करते हैं। बट उससे पहले बात करेंगे फर्स्ट ऑफ 3 डेज सैटरडे क्लोज तक मामला कहां तक जाने वाला है, हम शॉर्ट शॉर्ट बात करेंगे। देखो अभी ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो एपिसोड काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, आगे एडवांस भी बताना है। तो कहीं ना कहीं यस्टरडे की बात करें 180-185 सीआर के आसपास एज अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन वो देखने को मिल रहा है, जो कि डिटेल्स में मैंने कल शाम को बताया भी था एंड हिंदी लैंग्वेज मैंने 7-8 सीआर समथिंग राउंड नेट बताया था। मामला थोड़ा हेयर दिया जा सकता है, शायद 7-6 सीआर के आसपास समथिंग राउंड नेट कलेक्शन वो आ सकता है, जो कि कंपैरिजन टू अपना ओपनिंग डे ज्यादा है। अब तक की बात करें एज अ सिंगल डे ज्यादा कलेक्शन है, ऑल ऑफ रिकॉर्ड्स है वो खत्म कर दिए, अपना ही पुष्पा 2 ने रिकॉर्ड तोड़ा एज अ ओपनिंग डे 72 करोड़ एंड एज अ 76 करोड़। ये कुछ रहा तो फर्स्ट ऑफ 3 डेज ओनली फॉर हिंदी लैंग्वेज आएगा 207 करोड़ एंड आई थिंक सो ये फर्स्ट फिल्म है जो अपने पहले 3 दिनों में 200 सीआर प्लस भाई जिसने नेट कमाई की है, ऑल ऑफ रिकॉर्ड्स हैं आई थिंक सो इसने तोड़ दिए, मुझे अभी क्लियर याद तो नहीं है, जवान से ज्यादा आई थिंक एनिमल से भी ज्यादा खत्म कर दिया ऑल ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ये फर्स्ट फिल्म है जिसने 200 करोड़ से ज्यादा हिंदी लैंग्वेज में इंटर किया है जस्ट अपने 3 दिनों के अंदर अंदर एंड वर्ल्ड वाइड समथिंग अराउंड 630 करोड़ के आसपास फिगर वो जाने वाली है। बाकी डिटेल्स आगे बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, अभी जाया जाएंगे तो भाई एपिसोड लंबा हो जाएगा, इतनी तैला करना कहाँ से क्या कलेक्शन है वो आया है एंड अब मूव करते हैं एडवांस बुकिंग की ओर। आज अपने 4th ऑफ डे भाई, सबसे पहले मैं आप सभी को मल्टीप्लेक्स डेटा बताऊं तो भाई खत्म ऑल ऑफ रिकॉर्ड्स, पीवीआर सिनेपोलिस आईनेक्स आज जबरदस्त हमें एडवांस बुकिंग है वो देखने को मिली है, कहीं ना कहीं 5,51,000 टिकट्स हैं वो पीवीआर सिनेपोलिस आईनेक्स के अंदर आज के दिन हमें सोल्ड आउट है वो देखने को मिली है एंड 22.40 सीआर एडवांस भी है एंड आज कहीं ना कहीं मल्टीप्लेक्स 50% मेरे भाई कंट्रीब्यूशन कर रहा है ऑल ओवर नंबर में एंड ओपनिंग डे हमने ऐसा नहीं देखा, इवन सेकंड डे की बात करें बट आज एकदम रैम्पेज मोड है पीवीआर सिनेपोलिस आईनेक्स। इवन आप बुक माई शो ओपन करोगे भाई बवाल, आज मराठा मंदिर फुल है, आज गेटी गैलेक्सी ऑलमोस्ट फुल है, हो सके तो मैं यहां पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा भाई, गेटी गैलेक्सी इस तरह भाई फुल देखना लिटरली गाइस मजा ही आ जाता है एंड ओपनिंग डे कितना कलेक्शन था एज अ हिंदी मल्टीप्लेक्स 4 लाख के आसपास समथिंग का कुछ टिकट हमें सोल्ड आउट वो देखने को मिले थे और एज अब नो देखो 5.5 लाख से ज्यादा है, जो कि ऑल ऑफ लैंग्वेज कहीं ना कहीं 7.5 लाख के आसपास हमें टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट है वो देखने को मिले हैं। नाउ और मूव करते हैं भाई थोड़ा सिटी वाइज क्या चल रहा है, सबसे पहले मुंबई 6.52 सीआर एडवांस है एंड 60% ऑक्युपेंसी एंड 1500 प्लस शोज है एंड 960 प्लस शोज हमें फीलिंग फास्ट एंड सम बाई इसमें से फुल भी है। ओ भाई मुंबई एकदम रैम्पेज मोड है एंड 6.52 सीआर एडवांस लेके आज मेरे भाई फिल्म मैदान पे उतर रही है, विच मीन्स की जवान से भी ज्यादा एडवांस है एज अ फर्स्ट ऑफ संडे भाई, आज मुंबई अलग ही चल रहा है। नेक्स्ट दिल्ली एनसीआर 160 शोज है एंड 37% ओवरऑल ऑक्युपेंसी एंड 5.32 सीआर प्लस एडवांस है एंड दिल्ली जबरदस्त जा रहा है, सिंगल स्क्रीन ऑलमोस्ट हाउसफुल है। नेक्स्ट पुणे ऑलमोस्ट 600 शोज है एंड 55% ऑक्युपेंसी एंड 2.41 सीआर एडवांस है एंड नियरली 2 करोड़ के आसपास समथिंग कुछ एडवांस बुकिंग थी जवान की अपने फर्स्ट ऑफ संडे भाई, उससे भी ज्यादा है। महाराष्ट्र कोई कंपैरिजन नहीं है, खत्म कर दिया ऑल ऑफ रिकॉर्ड्स, सिंगल स्क्रीन मल्टीप्लेक्स बवाल एकदम रैम्पेज मोड। नेक्स्ट कोलकाता 460 शोज है एंड 47% ऑक्युपेंसी एंड 1.39 सीआर एडवांस बुकिंग है ओ भाई एंड 250 से ज्यादा शोज है वो फिलिंग फास्ट जा रहे हैं एंड सब मेरे भाई इसमें से फुल हुई है।
कोलकाता के अंदर ओरिजिनल हिंदी फिल्में बड़ी बड़ी मेरे भाई गुटने टेक देती हैं। और यहाँ पे देखो नियरली 46% प्लस हमें ऑक्युपेंसी दिख रही है जस्ट एडवांस में, विच मीन्स कि कोलकाता आज ओवरऑल डे फुल अप हो जाने वाला है। अहमदाबाद 1100 शोज है एंड 51% ऑक्युपेंसी, भाई दिस इज अ शॉकिंग। अहमदाबाद में 50+ ऑक्युपेंसी भाई कैसे आ सकता है, और यहाँ पे पुष्पा 2 ने ऐसा करके दिखाया 2.20 सीआर बिजनेस। ओ भाई 750 से ज्यादा शो फिलिंग फर्स्ट है एंड सम फुल है भाई, आज अहमदाबाद फुली मतलब ऑलमोस्ट फुल है पहले से ही। जो कि जवान की बात करें फर्स्ट हाफ संडे एडवांस बुकिंग भाई इससे कम ही था, लगभग 1 करोड़ 20-30 लाख समथिंग अराउंड। और यहाँ पे देखो भाई गुजरात एकदम बवाल है एंड नेक्स्ट सूरत 674 शोज है एंड 48% ऑक्युपेंसी 1.87 सीआर भाई एडवांस बुकिंग। ओ हो 450 शोज है वो फिलिंग फास्ट चल रहे हैं एंड सम मेरे भाई इसमें से फुल भी हैं एकदम भाई ब्लास्ट। एंड जो अभी रिसेंटली जो हिंदी फिल्में आई थी मास मसालेदार, इन्होंने अच्छा सा बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन किया था भाई, उनका गुजरात के अंदर स्ट्रगल था। और यहाँ पे पुष्पा 2 देखोगे आप मेरे भाई गुजरात के अंदर भी डोमिनेट कर रही है एंड यहाँ पे समथिंग अराउंड जवान सूरत के अंदर 60-70 लाख एडवांस था अपने फर्स्ट हाफ संडे के दिन, और यहाँ पे देखो कितना जा रहा है 1.87 सीआर के आसपास, भाई क्या बवाल है। एंड नेक्स्ट जयपुर 280 शोज एंड 50% ऑक्युपेंसी 1.27 सीआर प्लस एडवांस है भाई, टोटली ऑफ फुल है जयपुर एंड ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर है अब तक की बात करें, ऑल ऑफ रिकॉर्ड्स जयपुर के अंदर एज अ सिंगल डे की बात करें एडवांस बुकिंग भाई खत्म कर दी यहाँ पे पुष्पा 2 ने एज अ हिंदी लैंग्वेज। इससे पहले जवान 1 करोड़ 10-15 लाख के आसपास एडवांस बुकिंग थी, बट यहाँ पे पुष्पा 2 ने ये रिकॉर्ड मेरे भाई ब्रेक है वो कर दी है एंड एक ऐतिहासिक एडवांस अब हमें वो देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि जयपुर एवरी सिटी, नेक्स्ट लखनऊ 60 लाख के आसपास एडवांस है, आगरा 30 लाख एडवांस है 72% ऑक्युपेंसी एंड नेक्स्ट इंदौर 78 लाख एडवांस है 50% ऑक्युपेंसी भाई बवाल। सिटी सेंटर ग्रामीण इलाके टोटल फुल जा रहे हैं आज। नेक्स्ट कानपुर 47 लाख एडवांस 44% ऑक्युपेंसी, एवरी सिटी ऑक्युपेंसी देखो आप इस मैक्सिमम हम हिंदी की बात कर रहे हैं 30-40-50% जा रही है। लुधियाना भाई 25 लाख एडवांस 30 से ज्यादा ऑक्युपेंसी है, यहाँ पे हम बात नहीं करते भाई मैक्सिमम मूवीज की एंड देखो यहाँ पे पुष्पा 2 क्या बवाल काट रही है। नेक्स्ट नागपुर 73 लाख एडवांस है एंड 77% ओवरऑल ऑक्युपेंसी, विच मीन्स कि एडवांस में फुल है। नासिक 37 लाख एडवांस है एंड 72% ओवरऑल ऑक्युपेंसी भाई एडवांस में फुल है। पटना 45 लाख एडवांस है एंड 65% ओवरऑल ऑक्युपेंसी, रायपुर 37 लाख एडवांस है एंड 60% ओवरऑल ऑक्युपेंसी एंड मैक्सिमम प्लेस देखो आप ऑक्युपेंसी 60-70-80। सीडी सेंटर सम प्लेसेस में यहाँ 10-12 शोज है भाई, वो 85-90% ऑक्युपेंसी जा रही है एकदम ब्लास्ट है। एंड ऐसा कुछ हमने एडवांस इससे पहले मतलब KGF 2 के टाइम देखा था एज अ हिंदी दब की बात करें, इवन बाहुबली 2 बहुत अलग ही क्रेज था। फिलहाल साइड करो अभी जो रिसेंटली फिल्म है आफ्टर कोविड हो गया, RR साउथ में था बट नॉर्थ में कुछ भी नहीं था, बट यहाँ पे देखो मेरे भाई पुष्पा 2 क्या क्रेज है एंड टोटली ऑफ ब्लास्ट एंड आई थिंक सो ये मैं ओरिजिनल हिंदी फिल्मों की बात करें, सब फिल्मों को हम छोड़ दें तो फ्रेंचाइजी कई सारे प्रोजेक्ट आते हैं एंड उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि भाई क्यों ए बी तक की भाई उनकी फिल्में जा पाती हैं। सीडी सेंटर में काफ़ी मिनिमम फिल्में आती हैं, जो कि साउथ की बात करें कई सारी फिल्में आई हैं रिसेंटली भाई, उन्होंने सीडी सेंटर क्या बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन किया। अभी 22 देख लो KGF 2, 24 देख लो आज पुष्पा 2 डोमिनेट कर रही है, अनवर टाइम में सलार 2 आएगी वो भी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन करेगी एज अ हिंदी लैंग्वेज, कल की पार्ट 2 आएगी एंड और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं उनके डोमिनेट करते हैं भाई साउथ के एज अ हिंदी मार्केट की बात करें। जब भी कोई सिक्वल आता है स्पेशली फॉर इवन कंतारा अब पता नहीं क्या बॉक्स ऑफिस में बवाल यहाँ पे बलडोजर लाएगी एंड या थोड़ा आप टाइम ले सकते हैं कोई सिक्वल बना रहे हैं, जैसे कि अभी सिंघम 3 अगर रोहित शेट्टी जी बना रहे थे इतने टाइम के बाद वापस आ रहे थे तो कम से कम और ज़्यादा टाइम दे सकते थे वो, अगर अच्छी स्टोरी एक राइटर के साथ वो मैदान पे उतर दे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। मतलब आपको ये माइंड में नहीं सोच रहे कि हमें बस 250-300 करोड़ तक ही जाना, ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ चाहे 3-4 ईयर आपको स्पेंड करने पड़े, बट 500-600 CR के आसपास माइंड में रखो कि हमें इतना कलेक्शन तो निकालना ही है। यहाँ पे देखोगे आप साउथ स्टेट वो तो ज़्यादा
कुछ कलेक्शन नहीं आ रहा है, हम कर्नाटका एंड तमिलनाडु को छोड़ दें, एपी तेलंगाना ऑलमोस्ट सिमिलर बिजनेस आ रहा है जैसे कि काल की 289 AD ने किया था, जो कि सीक्वल है, थोड़ा एडवांटेज, थोड़ा ज्यादा कलेक्शन आना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। बट ओवरऑल आप नॉर्थ इंडिया देखोगे भाई, सीडी सेंटर यहाँ पे फिल्में मैं बोल रहा हूँ, जो ये कुछ 10-12 टोल हमें ओपनिंग देखने को मिलती है एज अ हिंदी लैंग्वेज, भाई वहाँ पे थिएटर ओपन तक नहीं होता है। यहाँ पे देखो ये फिल्म 70-80% ऑक्युपेंसी ला रही है, कोई ऐसा नहीं कि एक्टर की बड़ी फेस वैल्यू है एज अ नॉर्थ इंडिया में, नहीं मेरा भाई। यहाँ पे यस ये एक पुष्पा ब्रांड बन चुका है एंड वो कलेक्शन है गाइस वो निकाल रहा है आज के टाइम, दिस इज आउटस्टैंडिंग। एंड थोड़ा स्टेट वाइज देख लेते हैं, महाराष्ट्र 14 CR एडवांस है आज और 60% ऑक्युपेंसी, भाई 14 करोड़ एडवांस लेके महाराष्ट्र आज मैदान पे उतर है, अनबिलीवेबल। एपी तेलंगाना टोटल तेलुगु स्टेट 19 करोड़ एडवांस है एंड 26% एवरेज ऑक्युपेंसी, भाई एपी तेलंगाना कुछ भी नहीं है महाराष्ट्र के आगे, महाराष्ट्र डोमिनेट कर रहा है, कोई नहीं है आसपास। भाई 20 करोड़ के आसपास एडवांस बुकिंग थी कालकी की फोर्थ ऑफ संडे तेलुगु स्टेट की बात करें, क्योंकि यहाँ पे कहना होगा कि पुष्पा 2 को थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए थी भाई, एंड ग्रॉस कलेक्शन ज़्यादा चाहिए कंपैरिजन टू काल के 289 AD, थोड़ा सा कम है। एंड तमिलनाडु कहीं ना कहीं 6.24 CR एडवांस है, 22% ऑक्युपेंसी, भाई एकदम बवाल है। एंड तमिलनाडु में एज अ ग्रॉस फिगर हिट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन चाहिए भी, एंड हम ये उम्मीद करेंगे आने वाले वर्किंग डेज में हमें अच्छा सा होल्ड है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट केरला, यस 90 लाख के आसपास एडवांस, भाई स्ट्रगल चल रहा है केरला के अंदर, 1500 शोज है एंड 2.5-3 करोड़ के आसपास आज समथिंग ना कुछ नेट कलेक्शन है, ग्रॉस कमाई है वो आएगी। एंड केरला के अंदर कालकी ने भी अपने फोर्थ ऑफ संडे की बात करें, फोर्थ ऑफ डे एंड फर्स्ट ऑफ संडे 1.25 करोड़ के आसपास एडवांस बुकिंग की थी, यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है भाई, कुछ करना होगा, एक दो मुश्किलें आ सकती है। नेक्स्ट यूपी 3.70 करोड़ एडवांस है, 42% ऑक्युपेंसी, भाई यूपी फाड़ रहा है। दिल्ली 5.5 करोड़ के आसपास मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल 2.65 करोड़ एडवांस है, 40% ऑक्युपेंसी, उत्तराखंड 54 लाख एडवांस है, भाई खत्म। राजस्थान 3 करोड़ से ज्यादा है, उड़ीसा 1.80 करोड़ से ज्यादा है, एमपी 2.42 CR 40% ऑक्युपेंसी, एंड हर एक प्लेस सेंटर भाई बवाल है। हरियाणा 75 लाख एडवांस है, 35% ऑक्युपेंसी, बिहार 90 लाख एडवांस है, 47% ओवरऑल ऑक्युपेंसी। शायद आपको यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू आ रहा होगा, है कल से चल रहा है भाई लाइट का इशू, तो क्या करें। एंड टोटल एडवांस की बात करें भाई, ओनली फॉर हिंदी लैंग्वेज विदाउट ब्लॉक सीट्स 46.18 CR है, खत्म कर दिया ऑल ऑफ रिकॉर्ड्स RIP जितने भी थे इससे पहले सिंगल डे हिंदी लैंग्वेज एडवांस बुकिंग। एंड 16.12 लाख भाई टिकट्स है वो हमें सोल्ड आउट है वो देखने को मिल रहे हैं फर्स्ट ऑफ संडे, भाई ये है क्रेज। अपने फर्स्ट ऑफ संडे जवान समथिंग अराउंड 42-43 करोड़ के आसपास एडवांस बुकिंग की थी एंड फर्स्ट ऑफ संडे, यहाँ पे भी देखो कि भाई ये मामला ज्यादा जा रहा है भाई, पुष्पा 2 खत्म एंड 60 लाख प्लस टिकट्स, 1.6 मिलियन टिकट्स आए हमें सोल्ड आउट देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र फाड़ रहा है ओवरऑल देखा जाए। तेलुगु यस 15 CR एडवांस है विदाउट ब्लॉक सीट्स एंड 5 लाख टिकटें हमें सोल्ड आउट है वो देखने को मिली है, कहाँ हिंदी जा रहा है और कहाँ तेलुगु जा रहा है। तमिल 3.25 CR है एंड 2 लाख के आसपास टिकटें हमें सोल्ड आउट है वो देखने को मिली है, जो कि टोटल विदाउट ब्लॉक सीट्स है। क्या बिलीव करोगे भाई, करना पड़ेगा। 65 CR एडवांस है विदाउट ब्लॉक सीट्स, 65 CR, ओ भाई इतना सिंगल डे कलेक्शन में आ जाए तब भी बड़ी बात है, बट यहाँ पे 65 करोड़ हमें एडवांस देखने को मिल रहा है विदाउट ब्लॉक सीट्स एंड 23.35 लाख टिकट्स हैज बीन सोल्ड आउट। ओ भाई 30,000 के आसपास शोज है ऑल ओवर इंडिया की बात करें, खत्म कर दिया ओपनिंग डे एडवांस बुकिंग, देवराज सलार कालकी उससे ज्यादा आज हमें एडवांस कलेक्शन वो देखने को मिल रहा है। अगर आपको भाई हिंदी का साथ मिलेगा तो डेफिनेटली आप एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेरे भाई कलेक्शन है वो निकालोगे, जो कि देख लो पुष्पा 2 आज क्या कर रही है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज क्या कलेक्शन है वो आ सकते हैं, सबसे पहले एपी तेलंगाना 40 करोड़ के आसपास ग्रॉस हम भाई एक्सपेक्ट है वो कर सकते हैं कि इतनी कुछ कमाई है वो आज आए, कम है बट क्या करें एडवांस आया नहीं दिख रहे हैं। तमिलनाडु 13-14 CR सिंगल डे आज, लेट्स सी देखते हैं इतना आ पाएगा या फिर नहीं। कर्नाटका 15 CR के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, केरला 2.5 से लेकर 3 करोड़ के आसपास ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम नंबर है ये एंड एज अ हिट होने के लिए भाई अच्छी खासी आने वाले टाइम में जंप दिखाना होगा, बट आज संडे है, आज नहीं तो भाई मेरे भाई कभी नहीं। एंड रेस्ट ऑफ इंडिया प्लस हिंदी भाई 100 CR के आसपास आज ग्रॉस कमाई आ सकती है, थोड़ा डिफिकल्ट है 95-100 CR के आसपास, 100 थोड़ा मुश्किल है शायद नहीं आ पाएगा, 95 CR के आसपास एज अ ग्रॉस हम पकड़ रहे हैं रेस्ट ऑफ इंडिया प्लस हिंदी, लेट्स सी अब देखते हैं कितना आ पाएगा या फिर नहीं। एंड 165-70 CR के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया ग्रॉस
आज के दिन भाई कलेक्शन है वो आए, विच मीन्स कि देवरा ओपनिंग डे वर्ल्ड वाइड। एंड आज भाई संडे के दिन पुष्पा 2 यस्ट इंडिया से भाई इतनी कमाई है वो करने जा रही है। इवन सलार ऑलमोस्ट भाई इतना ही कलेक्शन था एज अ ओपनिंग डे। भाई क्या डोमिनेट चल रहा है, हम देखते हैं कि साउथ फिल्म में ओपनिंग डे आती है, दूसरा दिन तीसरा दिन खत्म, मतलब 60% 70% ड्रॉप। और यहाँ पे देखो फिल्म एवरेज 150 CR प्लस तो जा ही रही है, इवन 200 CR भी आ सकते हैं एज अ इंडिया। भाई वर्ल्ड वाइड तो आप छोड़ ही दो, ओवरसीज हम 25 लेके 30 करोड़ के आसपास भाई एक्सपेक्ट है वो कर रहे हैं। तो मामला आज 200 CR के आसपास हम देख रहे हैं एज अ वर्ल्ड वाइड। लेट्स सी, अब देखते हैं भाई इतना आ पाएगा या फिर नहीं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आई होप सभी को भाई अच्छे समझ में आ गया होगा। और हाँ, वीकेंड में नहीं बताया मैंने आप सभी को, हिंदी अगर इतना कलेक्शन आ जाता है विच मीन्स कि कितना, हाँ 290 CR के आसपास नेट जाने वाला है अपने फर्स्ट हाफ वीकेंड। 290 CR के आसपास नेट कमाई वर्ल्ड वाइड, 830 करोड़ के आसपास फर्स्ट ऑफ वीकेंड। एंड फास्टेस्ट 800 टच, इवन 500 हो, 600 हो, 700 हो, 800 हो, 900 हो, इवन 1000 हो, ये फास्टेस्ट ही करने वाली है। बाकी मिलेंगे भाई नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल्स के साथ, अभी वैसे भी कुछ यहाँ पे लाइट का इशू है वो चल रहा है।